कासगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज में अचानक से गिरी दीवार, 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 2 सगे भाई बहनों समेत दीवार में दबकर 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। हादसे में घायल एक व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पड़ोस में नीर खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, जहां अचानक से दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो 2 सगे भाई बहनों समेत दीवार में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में नीर खुदाई के दौरान अचानक से दीवार गिर गई, जिसमें दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल एक व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर कानपुर देहात से है। घर में घुसकर महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ससुराल वालों पर घर में घुसकर महिला को पीटने का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत की है। कानपुर देहात थाना क्षेत्र के कोरू गांव की ये घटना बताई जा रही है, और ये वीडियो जो कि वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कुछ महिलाएं हैं, पहले घर के अंदर दाखिल होती है और उसके बाद इस महिला पर टूट पड़ती है, जमकर मारपीट इसके साथ की जाती है। बताया जा रहा है कि जो ये लोग मारपीट कर रहे हैं, इस महिला के ससुराल वाले हैं जो कि इसके साथ मारपीट कर रहे हैं। कानपुर देहात का ये मामला है, और अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जो पीड़ित महिला है उसने थाने में तहरीर दे दी है। अब खबर जालौन से है, जहां सफाई कर्मी की हत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल हमलावरों ने नहीं बल्कि दोस्तों ने ही सफाई कर्मी की हत्या की थी। 13 जनवरी की रात हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारों ने झूठी कहानी रची। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। SP राज राजा ने वारदात का खुलासा किया। आटा थाना क्षेत्र के संधि गाँव में वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, ये नया मोड़ इस पूरे मामले में आया। सफाई कर्मी की हत्या से जुड़ा ये मामला है, जहां इन दोस्तों ने झूठी कहानी रची, और अब बताया जा रहा है कि इन दोस्तों ने ही अपने दोस्त की हत्या की थी। इधर नोएडा सेक्टर 63 थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। 700 पेटी शराब के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, और जब्त शराब की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। वहीं ADCP विशाल पांडे ने बताया कि शराब की खेप सोनीपत से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर लेकर जाई जा रही थी। साथ ही साथ पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि एक चालान पर कई ट्रक शराब देश भर में सप्लाई किए जाते थे। ये बड़ी सफलता नोएडा सेक्टर 63 पुलिस को मिली है। घेराबंदी की गई, घेराबंदी करके इस ट्रक को रोका गया। जब इस ट्रक को रोका गया तो इसमें 750 पेटी अरुणाचल मार्ग का विस्की बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 45 से 50 लाख रुपए है। साथ में कंटेनर गाड़ी और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम लोग पूरे नेक्सस का पता लगा रहे हैं कि ये लोग कहाँ लेके जाते थे, कहाँ उतारते थे, और इसमें रिसीवर कौन थे और कौन लोग इसको ओरिजिनेट करते थे। इसके पहले भी जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि एक ही कागज़ के आधार पर लोग और भी गाड़ियाँ निकाले हैं। कितनी गाड़ियाँ निकाले हैं इसमें जो ओरिजिनेट करता है उसका हम पता लगा रहे हैं, और जो रिसीवर उसका पता लगा रहे हैं। तो अन्य बिंदुओं पे निश्चित तौर पे जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें एक दो गाड़ियाँ और ये ले गए हैं। अब कितनी गाड़ियाँ ले गए इसके विषय में गहनता से जांच करने के बाद ही बताया जाएगा। अब खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक मेडिकल के छात्र ने फांसी लगा ली। घटना से कुछ देर पहले वीडियो कॉलिंग पर दोस्त से उसने बात की। कल्याणपुर में किराए के मकान में राहुल राजपूत रहता था और अय्या का रहने वाला था छात्र राहुल। फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में मेडिकल छात्र की मौत, और बता दें कि आत्महत्या करने से पहले वीडियो कॉलिंग पर अपने दोस्त से इसने बात की थी, और अय्या का रहने वाला ये राहुल राजपूत बताया जा रहा है। हालांकि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। आगे की जांच पूरे मामले में की जा रही है। कानपुर का मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में मेडिकल के छात्र ने फांसी लगाई, क्या कारण रहे, किस कारण से इसने इस घटना को अंजाम दिया, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये जानकारी है कि घटना से कुछ देर पहले अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर उसने बात की और उसके बाद फांसी लगा ली, और अय्या का रहने वाला था राहुल राजपूत, और फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
इधर जोशीमठ आपदा के बीच केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। इस कड़ी में पीएमओ के उप सचिव मंगेश घड़ियाल ने मारवाड़े स्थित जेपी कंपनी का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घड़ियाल ने मलार इन होटल में हो रहे ध्वस्तीकरण के कार्यों का भी जायजा लिया और साथ ही रोपवे के टार नंबर 1 और प्लेटफॉर्म के पास आई दरारों का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जोशीमठ आपदा को लेकर जो अधिकारी हैं वो सतर्क हैं। दरार वाले मलारी इन होटल को गिराने का काम लगातार जारी है तो दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। आज रोपवे के टार नंबर 1 और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा लगातार बढ़ती जा रही है उसके कारण जो ये रोपवे का काम है ये भी अटका पड़ा है। और नेपाल विमान हादसे में बड़ा अपडेट आपको दे दें। विमान हादसे में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है। विमान हादसे में जो मौत का आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। येती एयरलाइंस के विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि येती एयरलाइंस का विमान आज सुबह क्रैश हुआ था। ATR-72 विमान हादसे का शिकार हुआ। 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर इसमें मौजूद थे। क्रैश होने के बाद विमान में आग लगी। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था और पोखरा के सेती खोज विमान हादसे का शिकार। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, बताया जा रहा है कि लैंडिंग से कुछ ही देर पहले अचानक से इस विमान में आग लग गई जिसमें कई जो लोग हैं उन्होंने जान गंवा दी। जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। ये 3 तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा पेश आया। तकनीकी खराबी से ये हादसा हुआ। लैंडिंग से कुछ ही देर पहले इस विमान में अचानक से आग लगी और आग लगते ही बड़ा धमाका मौके पर हुआ। 40 लोगों की मौत हो गई है। 5 भारतीय भी इस विमान में सवार थे और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो मौत का आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन आप ये देखिए, ये वीडियो अब काफ़ी वायरल हो रहा है। इस पूरे विमान हादसे का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही लैंडिंग की तरफ बढ़ता है ये विमान, अचानक से एक विस्फोट होता है और देखते ही देखते इस विमान में आग लग जाती है जिसमें 40 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे। येती एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो नेपाल विमान हादसे में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। और ये मौके की तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से लोगों को जानकारी मिली उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तब से जारी है। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा जो विमान है ये क्रैश हुआ। येती एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा था जो कि अचानक से क्रैश हुआ। गिरते विमान का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। पोखरा की स्थिति खोज में ये हादसा हुआ। ATR-72 विमान हादसे का शिकार हुआ है और हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर सवार थे इस विमान में और मदद के लिए मौके पर स्थानीय नागरिक भी पहुंचे। चारों ओर विमान का जो मलबा है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हादसे के बाद जलता विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। मरने वालों में जो कई भारतीय थे वो भी सवार थे। 5 भारतीय बताए जा रहे हैं जो कि इसमें सवार थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की। मेरठ के एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पेट्रोल कम डालने की शिकायत पर डंडों से कर्मचारी की पिटाई कर दी। युवक बच्चों और महिला की पिटाई का आरोप है। पेट्रोल पंप कर्मियों पर पहले भी ग्राहकों के साथ पिटाई का आरोप है। पीड़ित ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के रोहटा रोड के पेट्रोल पंप का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए जिस तरीके से जो वहां पर मौके पर मौजूद थे कर्मचारी, उन्होंने कैसे ग्राहक के साथ मारपीट की है। पेट्रोल कम डालने की बात पर ये विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद जो वहां मौजूद कर्मचारी थे उन्होंने इस युवक के साथ जमकर मारपीट की। महिलाओं के साथ भी मारपीट की बात सामने आई है और ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले भी कई बार जो ये पेट्रोल पंप कर्मचारी है अपने ग्राहकों के साथ पहले भी मारपीट कर चुके हैं और अब जो ये वीडियो है ये वायरल हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से इस ग्राहक के साथ मारपीट की जा रही है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल कम डालने को लेकर बात हुई, विवाद बढ़ा और देखते देखते मौके पर जमकर लात घुसे चले और आप देखिए कैसे लाठी डंडों से ग्राहकों पर हमला किया जा रहा है। लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है वो नहीं माने और जमकर इस युवक पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। हालांकि पुलिस पर अब शिकायत दी गई है, मामले की जांच की जा रही है लेकिन जो ये अब वीडियो है ये अब वायरल हो रहा है। सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्राहकों के साथ पेट्रोल पंप कर्मचारियों की तरफ से मारपीट की जा रही है। और अब खबर रुड़की से है जहां खुलेआम दबंग युवकों की दबंगई देखने को मिली है। युवक के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं दबंग और मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। पुलिस वीडियो के आधार पर अब युवकों की तलाश में जुटी है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो रुड़की में आप देखिए कैसे दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खुलेआम दिन दहाड़े एक युवक के साथ जमकर मारपीट करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर किसी बात को लेकर इन पक्षों में पहले विवाद होता है और उसके बाद जब ये मिलते हैं तो इस युवक पर जमकर बरस जाते हैं। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब जो ये मारपीट का वीडियो है ये वायरल हो रहा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आप देखिए कैसे जो 5 से 6 जो युवक हैं, दबंग हैं, मौके पर मौजूद है और एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। अगली खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां सिद्धार्थ नगर के पेट्रोल पंप पर अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया, लेकिन पेट्रोल पंप पर आग के बुझाने के साधन नहीं थे। हालांकि कुछ लोगों ने रेत डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बाइक जलकर राख हो गई थी। बताया गया है कि बाइक में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से। सिद्धार्थ नगर के ये पेट्रोल पंप का नजारा आप देखिए, इस तरीके से अचानक से इस पेट्रोल पंप में ये बाइक खड़ी थी और इसमें अचानक से आग लगती है। और देखिए मौके पर बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि जो आग बुझाने के उपकरण होते हैं वो पेट्रोल पंप पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद आसपास के जो लोग थे उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की रेत डालकर इस आग को बुझाया गया है, लेकिन तब तक जो आग थी वो फैल चुकी थी और पूरी बाइक इसमें जलकर राख हो गई है। लापरवाही पेट्रोल पंप की, पेट्रोल पंप में ही आप सोचिए कि आग बुझाने के उपकरण मौजूद। और बात अलीगढ़ की करेंगे, जहां अलीगढ़ से एक डॉगी की शादी का वीडियो सामने आया है। दरअसल टॉमी और जेली नाम की डॉगी की शादी का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। डॉगी टॉमी ने फीमेल डॉगी जेली से सात फेरे लिए और धूमधाम से शादी रचाई है। तस्वीरें अलीगढ़ में सुखरावली गांव की है। पूर्व प्रधान दिनेश चौधरी का टॉमी 8 महीने का है और डॉगी की शादी अतरौली के टीकरी रायपुर ओई के निवासी डॉक्टर राम प्रकाश सिंह की फीमेल डॉग से तय हुई। जेली 7 महीने की है और दोनों की शादी 14 जनवरी को धूमधाम से की गई है। बराती बराती ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके नजर आए। दोनों ओर के लोगों ने टॉमी और जेली को आशीर्वाद भी दिया और अनोखी शादी की ये तस्वीरें देखिए अब वायरल हो रही है। पूरे रीति रिवाजों के साथ कैसे इन दोनों डॉग्स की शादी करवाई जा रही है अलीगढ़ में, और अब जो ये शादी है ये चर्चा का विषय क्षेत्र में बनी हुई है। छोटा बच्चा है हमारे नक चौधरी, वो ऐसे पिल्ला ऐसे उठा लाए, वैसे ही खुलते वो पाल पलास के बड़ा कर लिया। अब बड़ा हो गया तो ऐसी शादी की चर्चा करने लग गई हम ऐसी हंसी खुशी में। और हमारे एक चौबीस साहब हैं, बोले कि कुतिया हम पहते ऐसी बात का कर रहे हो, कुत्ता तुम्हारा कुतिया हमारी शादी कर दो। और संक्रांत का समय था, दान का समय चल रहा है, सो उन्होंने कुत्ता कुतिया शादी के बहाने और फिर दान किया और कुत्तों की दावत करी और लोगों जो आए उन्हें भी दावत करी और बढ़िया प्रोग्राम रहा। इनका अभी कुत्ता जब अकेला था वो उनकी कुतिया अकेली थी, दोनों को मिला दिया, प्रेम संबंध बना दिया। ये प्रेम को बढ़ाने के लिए ये किया था कि सब लोग मिल भी गए, इस दोनों दावत भी हुई है, कहीं 50-60 लोगों की दावत करी चाचा ने। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर अमेठी से। आपको बता दें यहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडों से मारपीट हो गई है। क्रिकेट खेलने के दौरान मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 12 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। जायस थाना क्षेत्र के निजाम पाकड़ गांव में क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लात घुसे मौके पर चले, लाठी डंडे चले और 12 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। जायस थाना क्षेत्र के निजाम पाकड़ गांव का ये पूरा मामला है। तो क्रिकेट खेलने को लेकर दोनों पक्षों में ये विवाद की बात सामने आई है। अब खबर बांदा से है, जहां दो सिपाही पर बच्चे की पिटाई का आरोप लगा है। 13 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई। दो सिपाहियों की पिटाई से बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कालिंजर थाना क्षेत्र के गुड़ा पुलिस चौकी का मामला है। शराब की दुकान में चोरी को कबूल करवाने के लिए बच्चे के साथ बर्बरता की गई और जब हाथ टूट गया तो गुपचुप तरीके से अस्पताल में उसका प्लास्टर चढ़वा दिया गया। इस मामले की जानकारी जब बड़े अधिकारी को हुई तो आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। दोनों सिपाहियों को निलंबित किया है, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर हुए हैं। बच्चे से जबरदस्ती चोरी की जो बात थी वो कबूल करवाने को लेकर इसकी इतनी पिटाई की गई कि उसका हाथ टूट गया।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें अमेठी से, जहां क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। अमेठी के निजाम पाकड़ गांव का ये मामला है। क्रिकेट खेलने को लेकर दोनों पक्षों में पहले विवाद होता है और देखते देखते जो विवाद था मारपीट में तब्दील हो जाता है। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं। 12 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमेठी का पूरा मामला है, क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। अब खबर बुलंदशहर से, जहां चर्बी से साबुन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने बैंस स्टोर और फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से चर्बी से बने साबुन भी बरामद हुए हैं। भैंसों को चोरी का काम भी ये गिरोह करता था। ये बड़ा पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया गया है और चोर को और फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में चर्बी से बने साबुन भी बरामद किए हैं। बुलंदशहर का मामला है। बताया जा रहा है कि भैंसों को चोरी का काम भी ये गिरोह करता था, जिसका आज पर्दाफाश बुलंदशहर पुलिस ने किया है। भैंस चोर और फैक्ट्री का मालिक भी गिरफ्तार हुआ है और इनके पास से चर्बी से बने जो साबुन है वो भी बरामद हुए हैं। वहां पर एक सूचना ये भी आई थी कि वहां पर जो पशुओं की चर्बी है उसको वहां पर निकाला जाता है, उससे प्रोसेस किया जाता है। इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट द्वारा छापा डाला गया तो वहाँ पर पता लगा कि उनके द्वारा अवैध रूप से उस चर्बी का साबुन में इस्तेमाल किया जा रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।